देखो, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में हमारे वैज्ञानिक बहुत दिनों से एलियन की तलाश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि दूरबीन से देखा जाता है कि कोई एलियन दिख रहा है क्या कहीं पर, और नहीं दिख रहा होता है, कई बार उड़न खटोला भेजा जाता है कि भैया जाओ देख के आओ, कोई एलियन अगर कहीं दिखता है तो हमको आकर संदेश दो। मतलब वाकई में एलियन जैसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है, कुल मिलाकर टोटल चीज़ें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इंसानी सभ्यता जब से विकसित हुई है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो पाई है कि वो एलियंस तक अपने संदेश को पहुंचा सके, ब्रह्मांड में अपने संदेश को छोड़ सके ताकि वो एलियंस तक पहुंच सके, तब से वो लगातार एलियंस के लिए मैसेजेस छोड़ रहे हैं। मतलब कि हम लोग लगातार एलियंस के लिए मैसेजेस छोड़ रहे हैं, रेडियो तरंगे छोड़ रहे हैं कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी इंसान जैसी सभ्यता है तो वो इन तरंगों को देखेगी, सुनेगी और इसका रिप्लाई हमें देगी। और आज तकरीबन 100 साल पूरे हो रहे हैं इन तरंगों को भेजते हुए, पर आज तक कोई भी रिप्लाई किसी भी मैसेज का नहीं आया है। अब जितनी भी रेडियो तरंगे पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं वो पृथ्वी से प्रकाश की गति से ट्रैवल करती हैं अंतरिक्ष में, और किसी भी एलियन सभ्यता तक वो आसानी से पहुंच सकती हैं। मतलब अब तक जितनी भी किरणें छोड़ी गई हैं वो आज भी प्रकाश की गति से ट्रैवल कर रही हैं। प्रकाश की गति का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में तकरीबन 8 सेकंड लगते हैं, और सूरज यहाँ से कितनी दूर है वो आप देख ही सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरियल है, उसकी रेडियो तरंगे जो छोड़ी गई हैं वो आज के टाइम में करोड़ों किलोमीटर तक की सफ़र कर चुकी हैं। हमारे जो साथ के सौरमंडल हैं वो उसको भी पार कर चुकी हैं, पर अब तक एलियंस का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अब उनका रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं आया, यहाँ पर कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि हमने जो तरंगे भी भेजी हैं वो या तो उन तक पहुँच ही नहीं पाई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन तक पहुँच भी गई होंगी पर फिर भी आज के टाइम में, जैसे हम शुरुआती दौर में एक छोटे छोटे कीटाणु थे पर आज के टाइम में इंसान बने हैं, इसी तरीके से उनका भी विकास नहीं हो पाया हो और वो बहुत छोटे छोटे कीटाणु हों, या फिर वो पैदा ही नहीं हो पाए हों, ऐसा भी हो सकता है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, मतलब SETI, जो कि एक संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ एलियन के बारे में रिसर्च करती है, और ब्रह्मांड में पिछले 50 से भी अधिक सालों से एलियंस को खोज रही है और आज तक ये सफल नहीं हो पाई है। इसका मानना ये है कि हमने जो फिल्में देखी हैं, मूवीज़ देखी हैं, उसमें एक खास तरीके की छवि बना ली है एलियंस की, और हम सोचते हैं कि एलियंस जितने भी हैं वो सारे उसी टाइप के होंगे, पर वैसा नहीं हो सकता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एलियंस उसी टाइप के हो भी सकते हैं, पर कोई पक्का नहीं है। एलियंस दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, वो कंगारू टाइप के लग सकते हैं, या फिर देखने में वो बकरी टाइप के लग सकते हैं। दूसरे ग्रह का कोई भी प्राणी हमारे लिए एलियन ही है, अब वो चाहे किसी भी तरीके का हो, भले वो रोबोट की तरीके का क्यों ना हो। देखो, अब अगर सेटी की माने तो सेटी ये कहता है कि हमें एलियंस को ढूंढने से ज़्यादा अपने आप को विकसित करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपना पृथ्वी छोड़ना पड़ जाए, और हम अपने पृथ्वी को छोड़ेंगे अगर तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम अपने ग्रह के सारे लोगों को दूसरे ग्रह पर कहीं पर शिफ्ट कर सकें। अब ऐसा भी हो सकता है कई सिचुएशंस में कि एलियंस मौजूद हों किसी टाइम में, पर उन्होंने हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग AI ज़्यादा बना लिए हों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में हम विकसित कर रहे हैं, वैसे वो ऐसे लोग हों जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर लिया हो, और उसके बाद उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो उनके ऊपर ही हावी हो गए हों। जैसे कि आपने रोबोट मूवी देखी होगी, साउथ इंडियन जो रजनीकांत वाली थी, उसमें चिट्टी रोबोट अपने आप सब कुछ सोचने लगता है, अपने आप सब कुछ बनाने लगता है, उसी टाइप का यहाँ पर हो सकता है कि भाई जो रोबोट्स होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, हमको अपना अलग राज चाहिए, या फिर हम अपने आप को विकसित करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, और वो इंसानी सभ्यता को ख़त्म करके अपनी सभ्यता को बनाना शुरू कर दिए हों किसी और दूसरे ग्रह पर, जहाँ पर एलियंस ने पहले उनको बनाया हो। तो हो सकता है कि जब हमारा उनका आमना सामना हो तो वो डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं, वैसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सेटी का ये मानना है कि हमें अपने आप को विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एलियंस को ढूंढने से।
इतना सब बोलने के बाद भी सेटी पूरी कोशिश कर रही है कि वो एलियन को तलाश कर सके और दूरबीनों के द्वारा या फिर कई तरीके की जो आसमान में रेडियो तरंगे आती रहती हैं अलग अलग ग्रहों से, उन सब तरंगों को सुनने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है। उनमें से कोई तो वैसा होगा जिसमें एलियंस की कोई ना कोई संभावना ज़रूर होगी। यही सोचकर सेटी लगातार पिछले कई सालों से लगी हुई है एलियंस को तलाशने में। देखिए, अब अगर हम डायरेक्ट तौर पर बात करें तो कई सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर हम रेडियो तरंगों को सिर्फ एक ही दिशा में भेजें, मतलब चारों दिशा में ना भेजकर सारी रेडियो तरंगों को सिर्फ एक ही दिशा में भेजें, तो अगर हम सारी रेडियो तरंगों को एक ही दिशा में भेजेंगे तो वहाँ पर अगर कोई एलियन सभ्यता होगी तो वो उसे जल्दी सुन पाएगी, जल्दी समझ पाएगी और ये जान पाएगी कि हाँ, इस दिशा में कोई और भी जीव रहता है। पर अगर हम बात करें स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट की, तो वो इसका बिल्कुल साफ साफ विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल सभ्यता ब्रह्मांड में मौजूद हुई और उनको अभी तक हमारे बारे में नहीं पता है, इसीलिए हम बचे हुए हैं, और जैसे ही रेडियो तरंगे उन तक पहुँचेंगे उनको पता चल जाएगा हमारे बारे में, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आकर डायरेक्ट पृथ्वी पर अटैक कर दें और हमें ख़त्म कर दें, इससे मानवता का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग जैसे जो वैज्ञानिक हैं वो साफ साफ मना करते हैं ऐसा करने से, इसीलिए अब तक ऐसा नहीं किया गया है। भूल तो इससे हैं जिससे मतलब न्यूज सुना रहे हैं डीएनए में बैठ के आराम से सुधीर चौधरी जैसे मगर ये सारी चीजें रियलिटी है भैया, मजाक में मत लेना। अपने चैनल पे भरोसा पूरा मिलेगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ, जो भी बोलेंगे रिसर्च के साथ बोलेंगे, ठीक है, बिना रिसर्च के कुछ भी बकवास नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। योग अलग गया। अरे पैदा रहेगा।